सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल। नमस्ते, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल योर वाइब्रेंट सोल्स। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल टुडे विद फुल वाइब्रेशन एंड फुल हैप्पीनेस। लेट्स टेक आवर सेशन फॉरवर्ड। कहते हैं कि रात को जब आप सोते हैं तब आप साइलेंस में होते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं आपके अंदर पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी होती है, दैट यू स्टार्ट योर डे। इमेजिन कि जब आप रात को सोते हैं तो आपके अंदर इतनी शक्ति बढ़ जाती है जब आप साइलेंस होते हैं अनकॉन्शियसली। तो अगर आप कॉन्शियसली साइलेंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी, आइए हम इसी को जानते हैं। अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम will be divided into 3 parts, A 40%, O 40%, Ma 20%. आइए एक बार हम देखेंगे कैसे करना है, फिर हम मिलकर करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना आप अपने माउथ को वाइड ओपन कर सके, क्योंकि जब आप आ बोलते हैं आपके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, which is one of the way to detoxify yourself. So let us see once and then we'll do it together. आइए अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करते हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ टू चैंट ओमकार मंत्र 3 times। इनहेल Keep your eyes closed. Feel the vibrations of Omkar mantra all around you. Keep your right hand on your heart. और अपनी आंखों को बंद करते हुए आज खुद को एक प्रॉमिस करेंगे। That for coming 24 minutes, आपका हर एक मिनट एक घंटे के लिए, तो इस 24 मिनट में अपने आप को पूरा रिजुवेनेट करते हुए, इस पूरे 24 आवर्स को हम पूरी तरह इस साइलेंस के साथ रिचार्ज करेंगे। सो गिविंग अ प्रॉमिस दैट वी विल बी इन साइलेंस फॉर ऑल 24 मिनट्स। वेरी जेंटली ओपन योर आईज, रिलैक्स योर हैंड्स। आइए आज हम अपने सेशन की शुरुआत मेडिटेशन, एक पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक से करेंगे। कहते हैं कि मेडिटेशन हमें हमारे अंदर की शक्ति से जोड़ता है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं कुछ बात आपसे शेयर करूं कि हमने जब इतने सालों तक सेशन सब जगह की तो लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन थे। वो कहते थे कि मैं ध्यान नहीं कर पाता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, बहुत से थॉट्स आते हैं जो मेरे मेडिटेशन में मुझे परेशान करते हैं। यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये होता क्यों है। हमारा जो माइंड है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड प्योर कॉन्शियस। जो हमारा सबकॉन्शियस पार्ट है, दैट इज 7th-8th ऑफ आर माइंड, अप्रोक्सीमेटली 87.5% ऑफ आर माइंड। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, दैट एक्ट्स लाइक अ स्टोर रूम। जैसे हम सबके घर में एक स्टोर रूम होता है, जब पूरे घर में कोई चीज की जरूरत नहीं होती है तो हम उसे स्टोर रूम में रख देते हैं। और दिवाली के दिवाली जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो देखते हैं कि अरे ये सामान यहां पड़ा है। उसी प्रकार जब हम मेडिटेशन करते हैं, व्हेन वी सिट आइडल, ऑल द डोर्स ऑफ आर माइंड ओपन, बिकॉज आर आईज
are the doors of our body. जब हम अपनी आंखों को खुली रखते हैं तो हम अपनी बाहर की चीजों को देखते हैं, और जब यही आंखों को हम बंद करते हैं तो हम अपने अंदर की चीजों को देखने लगते हैं। तो जैसे ही आप मेडिटेशन शुरू करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुल जाता है। आज अगर मुझे इस रूम में अंदर आना है तो मैं इस गेट से अंदर आऊंगी, और अगर इस रूम में एक ही दरवाजा है और अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं इसी दरवाजे से बाहर जाऊंगी। सिमिलरली आपके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी चीजें भरी है वो सब धीरे धीरे बाहर आने लगती है। सो द गुड न्यूज इज कि आपको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है, बट ये चीज आपके अंदर से एग्जिट हो रही है, बाहर जा रही है। तो जितना हमारे अंदर वो स्पेस रहेगा, क्योंकि ये रेंट फ्री स्पेस आपके माइंड में ऑक्यूपाई करती है, और जैसे ही इस स्पेस खाली होगा इस कॉस्मिक एनर्जी को वो जगह मिलेगी कि वो पॉजिटिविटी और वो पूरी तरीके से आपके शरीर के हर एक अंग में उस एनर्जी का प्रवाह हो सके। आइए इस मेडिटेशन की शुरुआत करने से पहले अपने पूरे शरीर को सीधा करेंगे। आपकी पीठ, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी। अपने दोनों हाथों में हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। यू विल टच योर इंडेक्स फिंगर टू योर थंब वेरी लाइटली, जैसे दो इलेक्ट्रिक वायर्स को टच किया जाता है और एनर्जी जनरेट होती है, वैसे ही ये हमारी उंगलियों के एनर्जी सेंटर्स हैं। जैसे ही आप इसको टच करेंगे एनर्जी पावरफुली फ्लो होगी पूरे बॉडी में। तो अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखेंगे और आइए गेट कनेक्टेड टू योर ओन एंकर। जब भी हम कोई भी मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कम इन द प्रेजेंट मोमेंट, और जो हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है वो है हमारा एंकर, हमारा ब्रेथ, हमारी सांसें। यस, तो आइए हम एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा, क्योंकि जब हम अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, खुद की शक्ति को बढ़ाते हैं। और यस, वही आज हमारा थीम है, हाउ टू इनहेंस आवर इनर पावर, आवर इनर एनर्जी। तो आपको ये ब्रीदिंग करनी कैसे है एक बार आप देखेंगे और फिर हम सब मिलकर करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को एक मुद्रा में लाएंगे, आप अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, आपके दोनों थंब सामने की ओर, और अपने हाथ को नाभि के पास रखेंगे। कीप योर हैंड्स नियर योर नेवल। इस मुद्रा को कहते हैं सहज शक्ति मुद्रा। तो आइए इस मुद्रा को लगाते हुए आप देखेंगे कि आज की ब्रीदिंग प्रैक्टिस क्या है। किसी को भी अगर हार्ट हाई बीपी प्रॉब्लम है तो इस ब्रीदिंग को बिल्कुल आराम से करना है। बाकी सब लोग मेरे को देखेंगे और फिर करेंगे। अपने हाथ को अपने हार्ट के पास लेकर आएंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली। सो वी विल बी फोर्सफुली इनहेलिंग फ्रॉम आवर नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेलिंग फ्रॉम आवर माउथ। आइए देखते हैं इस ब्रीदिंग टेक्निक को। तो आप अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और अपने हार्ट सेंटर पे यहां पर नीचे लेकर आएंगे। इनहेल करेंगे अपने नॉस्ट्रिल से और एक्सहेल करेंगे जैसे आप एक डस्ट को फूंक मार रहे हैं, एक कैंडल को ब्लो कर रहे हैं पूरी फोर्स के साथ। इस टेक्निक को करने से पहले आइए जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जब आप इसको पूरी तरीके से आप अपने ब्रेथ को बाहर फूंकते हैं तो आपके लंग्स की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको आप इंप्रूव करते हैं। हम मेडिटेशन में कहते हैं कि लंबी गहरी सांस लीजिए, तो कई लोग हैं जो गहरी सांस नहीं ले पाते हैं, तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। इट इज वेरी हेल्पफुल टू ओपन ऑल द ब्लॉकेजेस इन योर एंटायर बॉडी। आपके हृदय में रक्त संचार को बढ़ाता है, और जब हम इस मुद्रा में बैठते हैं तो अगर आपके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है उससे आपको राहत मिलेगी, अगर किसी भी तरीके का थायराइड प्रॉब्लम है उससे आपको राहत मिलेगी, और जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे अगर आप 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स इस मुद्रा में रहते हैं तो ये आपके लिए एक रामबाण इलाज करता है। इट टेक्स
all your negativity, all your fatigue, laziness outside your body, and gives you immense energy, immense power to kickstart your day. So let's begin. आप अपने हाथ को इस मुद्रा को पे रखेंगे अपने हार्ट के पास. अपनी आंखों को खुला रखकर एक बार मुझे देखेंगे और जब आपको लगता है आप इस अभ्यास को पूरी तरह कर सकते हैं, अपनी आंखों को बंद कर इसका अभ्यास करेंगे. आइए शुरू करते हैं. इनहेल एंड ब्लो आउट फ्रॉम योर माउथ एज यू एक्सहेल. लेट्स बिगिन. Five more seconds. And relax. अपनी सांसों में हुए बदलाव को महसूस कीजिए. Feel the sensation in your head region, your throat, in your arms. This ticklish sensation is oxygenation of cells. आपने अपने पूरे शरीर को इस ऑक्सीजन से एक्टिव किया है. Breathe in and breathe out. Relax yourself completely. Keep your eyes closed. Your palms on your thighs in Gyan Mudra. Your back absolutely straight. Your shoulders relaxed. Feel absolutely calm. Ease. Breathe in and breathe out. Keep your eyes closed. Aware of all the sounds which you can hear. And slowly tune in to your inner sound. The sound of your breath. Breathe in and breathe out. Feel the calmness, the energy inside your body. Very gently, bring your awareness to your body,
to your head region. And visualize the bright light coming towards you. महसूस करिए कि एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आपकी ओर आ रहा है। ये प्रकाश आपके सिर से होते हुए आपके पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है। आपके सारे स्ट्रेस, टेंशन, थॉट्स को बाहर की ओर ले जाते हुए ये प्रकाश धीरे धीरे आपके कंठ की ओर आ रहा है। आपके थायराइड ग्लैंड्स, आपके थ्रोट मसल्स को पूरी तरह स्ट्रेंथ देते हुए ये प्रकाश पूरी तरह फैलते जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके कंठ से होते हुए आपके हृदय की ओर आ रहा है। यस, यू आर द बीइंग ऑफ लव। देखिए इस प्रकाश को, ये पूरी तरह आपके हृदय को स्वस्थ करते हुए आपके अंदर उस प्रेम को, उस खुशी को भरते हुए धीरे धीरे आपकी नाभि की ओर जा रहा है। ये नाभि आपके मां से कनेक्टेड है। फील योर कोर स्ट्रेंथ getting enhanced with a vibrant light all around the navel. धीरे धीरे ये प्रकाश फैलते हुए आपके पैर की ओर जा रहा है। आपके पैरों में
उस अद्भुत शक्ति को भरते हुए। ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। आपके चारों तरफ एक स्पिरिचुअल शील्ड बन गई है, एक कवच बन गया है जो आपके शरीर की पूरी शक्ति को आपके सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह प्रकाशमय कर रहा है। Feel your energy. Feel the light all around you. धीरे धीरे खुद को कहिए मन ही मन, महसूस करिए कि ये डिवाइन लाइट इज टेकिंग यू हायर, टेकिंग यू डीपर, टेकिंग यू बियॉन्ड, taking you to you. धीरे धीरे स्वयं में लौटते हुए move your fingers, your toes, and come back to yourself. Keeping your eyes closed, rub your palms vigorously, feel the power, the heat energy, and keep your palms on your head. अपने इस mind power को महसूस करते हुए मन ही मन स्वयं को कहिए, आई एम अ पावरफुल सोल। और इस पूरे शक्ति को अपने पूरे शरीर में प्रवाह करिए। एक बार फिर अपने हाथ को रब करेंगे, रब इट विग्रेसली, मेक अ कप, कीप इट ऑन योर आईज। Very slowly and gently, like a little child, धीरे धीरे अपने हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोलेंगे। Bring your palms down, look into that curve, the smile, kiss your palms, और खुद को मन ही मन कहिए, that I love myself. मैं खुद को बहुत प्यार करती हूं। अपने हाथ को, इंडेक्स फिंगर को अपने ललाट पर ओम लिखिए। विद द टीचिंग ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरुदेव, लेट्स टेक दिस जर्नी ऑफ सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल इन आवर लाइफ। अब अपने हृदय को, अपने हाथ को उस हृदय पे रखेंगे और तीन बार ओम त्रीम नमः कहेंगे। एंड लेट्स ओपन आवर साइलेंस। ओम त्रीम नमः, ओम त्रीम नमः, ओम त्रीम नमः।
और आप सब ने इतने सुंदर से इसको एक्सपीरियंस किया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको रोज अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे। और एक और चीज, कहते हैं कि जब कोई कुछ बहुत अच्छा करता है तो उसको जरूर अप्रिशिएट करिएगा, तो आज मैं आप सबको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सबने इतना अच्छा किया, और आप खुद के मन को अप्रिशिएट करिए कि आपके मन ने आपको ये करने के लिए प्रेरित किया। तो आइए 3 बार क्लैप करते हैं और अपने दिल को, अपने मन को प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो लेट्स डू इट टुगेदर। वाह 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 मेरा मन, वाह 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 मेरा मन, वाह 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 मेरा मन। थैंक यू सो मच। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद फैमिली एंड फ्रेंड्स।